अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मरियम। आप देख रहे हैं YouTube चैनल मरियम ज़ रेसिपी और आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान स्पेशल रेसिपी जी। तो आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी पोटैटो रोल्स, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी। तो फिर जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 से 5 बॉयल्ड किए हुए आलू, जिनको मैंने मैश कर लिया था। इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, एक छोटे साइज़ की चॉप्ड की हुई शिमला मिर्च और एक छोटे साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज, रेड ग्राम्स 2 टेबल स्पून। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टार्ट में मैं इसके अंदर चाट मसाला ऐड करना भूल गई थी। अब हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला और इसको दोबारा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमने इसके बनाने हैं रोल। थोड़ा सा पेस्ट लेंगे और उसका रोल बना लेंगे जी। तो ये आप देख सकते हैं, इसी तरह हमने बाकी सारे रोल बना लेने हैं जी। तो रोल हमारे रेडी हो चुके हैं, अब हमने इनके ऊपर करनी है कोटिंग। उसके लिए सबसे पहले हम एक स्लरी बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पर लिया है मैंने मैदा 2 टेबल स्पून। इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे जी। तो पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर लिए हैं मैंने 1 प्लेट में ब्रेड क्रम्स, जो हमने रोल तैयार किए थे उनको इस पेस्ट में डिप करेंगे और उसके बाद इनको ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जी। तो इसी तरह हमने सारे कोट कर लेने हैं। रोल हमारे कोट हो चुके हैं, तो अब हमने इनको करना है फ्राई। उसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है, जिसको मैंने गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर जो रोल तैयार किए हैं वो डाल देंगे। अब हम इसको 1 से 2 मिनट तक एक साइड से फ्राई करेंगे, उसके बाद साइड चेंज कर देंगे। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे और इनका कलर जब गोल्डन हो जाएगा तो हम इन्हें निकाल लेंगे। जी तो देख सकते हैं आप कितना अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे जी। तो क्रिस्पी से हमारे रोल रेडी हो चुके हैं और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप लोग इस रेसिपी को अफ्तार में ज़रूर बनाइएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा।